सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोमिक। सो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के पास एक ट्रेंडिंग स्टेटस रीडिंग का ट्यूटोरियल लेके। सो गाइस, आज का वीडियो का टाइटल है न्यू इंस्टा ट्रेंडिंग एटीट्यूड स्टेटस वीडियो एडिटिंग इन काइनमास्टर। सो गाइस, आज हम लोग एक एटीट्यूड स्टेटस रीडिंग करने सीखेंगे। सो गाइस, चलिए पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। I am a devil of my work. Come on, boy, move that body. This tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it's my party. We go wild, we are in safari. Come on, boy, move that body. This tonight I'm naughty. So guys, आज हम लोग प्रीव्यू का जैसा एक एटीट्यूड स्टेटस रीडिंग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी बनाना चाहते हैं प्रीव्यू का जैसा एक एटीट्यूड स्टेटस वीडियो आपका फोटो से या फिर किसी और का फोटो से, तो उसके लिए इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। इस तरह की स्टेटस अभी सभी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। सो गाइस, खास करके ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। सो मैं सोचा कि आप लोगों के पास इसका ट्यूटोरियल ले आता हूँ, तो आप लोग भी इस तरह की स्टेटस बना सकते हो खुद का फोटो से या फिर किसी और का फोटो से। सो गाइस, अगर आप भी बनाओगे इस तरह की स्टेटस खुद का फोटो से या फिर किसी और का फोटो से और डालोगे इंस्टा पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर, तो आपका वीडियो भी वायरल हो जाएगा। तो गाइस, इस तरह की स्टेटस एडिटिंग करने के लिए हम लोग को एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा जिसका नेम है काइनमास्टर। तो जिसके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है, वो लोग मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं उधर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो उधर से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। मैं उधर काइनमास्टर का लिंक टॉप पे पिन करके रखा है। तो गाइस, बहुत ही आसानी से उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो काइनमास्टर एप्लीकेशन। और गाइस, मैं इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो उधर से आप लोग पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो जिसने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और कॉमेंट में बताना कि इस वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। तो गाइस, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह की स्टेटस एडिटिंग करने के लिए अब लोगों को काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को इधर क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा और इधर से आप लोगों को दिख जाएगा बहुत सारा रेशियो। तो इधर से आप लोगों को 9:16 जो रेशियो है उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना होगा। तो गाइस, नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और बाएं तरफ दिख रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन इधर, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा और नीचे जो एडिटिंग का ऑप्शन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करके फिल स्क्रीन पर सिलेक्ट करके इसको डन कर देना होगा। तो इतना दूर होने के बाद आप लोग को इधर से ओनली 2 फोटोज़ ऐड करना होगा। इधर से मैं दिखा देता हूँ ऐड करके, तो फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से फोटो 2 फोटो इधर ऐड कर लेता हूँ और डन कर लेता हूँ। तो इतना दूर होने के बाद आप लोगों को फर्स्ट वाली पोजीशन पर आ जाना होगा और इधर पर ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करके उस सॉन्ग को इधर लाना होगा। सो गाइस, इस सॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो उधर से आप लोग बहुत ही आसान से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, सॉन्ग को ऐड करने के लिए उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करके फर्स्ट प्लस वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो गाइस, देख सकते हो ये ऐड हो चुका है हमारे स्टेटस के ऊपर। तो इसके ऊपर ऐड होने के बाद आप लोग को इसको डाउन कर लेना होगा और इधर से 2 फिंगर से थोड़ा सा जूम कर लेना होगा ताकि हम लोगों को जो ऑडियो का बीट्स है वो तो वो अच्छे तरह से दिख जाए। तो इधर से आप लोगों को देख रहा होगा ऑडियो का बीट बहुत ही अच्छी तरह से। तो इधर से आप लोगों को इस फोटो पहली वाली जो फोटो है उसको कट कर लेना होगा। ऐसे इतना दूर आने के बाद आप लोगों को इस फोटो को कट कर लेना होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, इतना दूर आने के बाद आप लोगों को इस पहली वाली जो फोटो है उसको कट कर लेना होगा। तो काट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इधर जो कैची का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके जो सेकंड वाले ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये काट हो जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड वाली फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा और इधर आना होगा। इतना दूर आने के बाद इधर आप लोग देख रहे हैं इधर जो ऑडियो का बीट है वो हाई हो गया है इधर से, तो इसके ऊपर आना होगा। इसके ऊपर आने के बाद आप लोग को इस फोटो को भी काट कर देना होगा। ऐसे काट करने के बाद आप लोग को इधर से डन करना होगा। तो डन करने के बाद आप लोगों को इधर से एक फोटो इनपुट करना होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको इधर ऐड करने के लिए आप लोगों को मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इधर से उस फोटो को लाना होगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो उधर से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, इस फोटो इधर ऐड होने के बाद आप लोगों को इस फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा और इसको ले जाना होगा 8.532 सेकंड पर, ठीक है। तो मैं इधर ला चुका हूँ इसको, तो इधर आने के बाद आप लोगों को इस फोटो को कट कर देना होगा 8.532 सेकंड पर। तो इसको कट करने के लिए सेम प्रोसेस, उसके ऊपर क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कट कर देना होगा।
सो गाइस इसके बाद आप लोगों को कुछ फोटोज ऐड करना होगा, लगभग इधर 18 फोटो ऐड करना होगा। तो उसको ऐड करने के लिए आप लोगों को मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसको इधर से ऐड कर देना होगा। सो गाइस ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को पहले वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा जिस पर आप लोग कट किया था जिस फोटो को। तो उधर जाने के बाद सो गाइस इधर चले आने के बाद आप लोगों को जो फोटोज है जो ऐड किया है अभी, तो इस फोटो को आप लोगों को ऑडियो के हिसाब से कट कर देना होगा। सो गाइस अच्छी तरह से आप लोगों को ऑडियो को सुनना होगा और आपका जो फोटो है उसको कट करना होगा। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं सब फोटो को कट कर चुका हूँ ऑडियो के हिसाब से। सो गाइस आप लोगों को आसानी के लिए मैं इधर बुकमार्क लगा दिया हूँ, तो आप लोगों को एक एक करके मैं देखा देता हूँ मैं कितना सेकंड पर किस फोटो को काट किया है। तो पहली बारी जो फोटो है उसको मैंने काट किया है इधर बुकमार्क कर दिया हूँ 3.314 सेकंड पर। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो गाइस मैं पहले वाली जो फोटो है उसको काट किया है 3.314 सेकंड पर और सेकंड वाली फोटो को मैंने काट किया है इधर 5.527 पर। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो मैंने जो थर्ड वाली फोटो है उसको काट किया है 8.531 सेकंड पर। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हो सभी फोटो को मैंने काट कर लिया है। सो गाइस ये आप लोग देख सकते हो और देख देख के एक पेज में पेपर में आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये लिखने के बाद आप लोगों को स्टेटस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो गाइस इसके बाद में जो फोटो है उसको मैंने 15.277 सेकंड पर काट किया है। तो इसके बाद जो फोटो है मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाया था और आप लोग पेपर पे वो लिख लीजिए, तो बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो गाइस देख सकते हो मैंने सब फोटो को ऐसे कट कर लिया है ऑडियो के हिसाब से। सो गाइस इसको लिखने के बाद आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी स्टेटस बनाने में, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक एक करके सब फोटो का। तो गाइस देख सकते हो मैंने सबके ऊपर बुकमार्क लगा दिया है और आप लोग इधर से ऊपर में देख सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो इतना दूर समझ में आ गया होगा। सो गाइस इतना दूर होने के बाद आप लोगों को फर्स्ट वाले पोजीशन पर जाना होगा और इधर से आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इधर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इधर पे आप लोग देख सकते हो एक इमेज का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा और इधर से एक ब्लैक इमेज ले लेना होगा। तो इधर पे इसको लेने के बाद आप लोगों को इसको खींच के पूरा स्क्रीन तक कर लेना होगा और इसको बढ़ा देना होगा टू फोटो के जैसा। तो जितना दूर दो फोटो है उसके उधर इसको काट कर देना होगा। तो देख सकते हो मैं जो दूसरा फोटो है वो 5.52 सेकंड पर काट किया है, तो इसको भी मैं उधर काट कर दूंगा। इसको काट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा सेम प्रोसेस और इधर इसके ऊपर क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पर टच करके इसको काट कर देना होगा। तो काट करने के बाद आप लोग को इधर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके बैक कर देना होगा और इधर आप लोगों को देख रहा होगा एक ओवरऑल एनिमेशन का नेम का एक ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा और नीचे जाना होगा। तो आप लोग देख सकते हो थर्ड नंबर पर एक फिगर का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इसके जो वीडियो है तो उसके ऊपर एक अलग सा इफेक्ट आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको इधर ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद आप लोग इधर से डन कर लेना होगा और उसके बाद चले जाना होगा इधर। तो मैंने जो आई एम ए डेविल ऑफ माई वर्ल्ड जो फोटोज़ ऐड किया है उसके फर्स्ट वाली पोजिशन पर आना होगा और इधर से आप लोगों को एक इफेक्ट वीडियो को ऐड करना होगा। तो उसको ऐड करने के लिए आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको इधर ऐड करना होगा। तो इसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको इधर लाने के बाद आप लोग को इधर जो साउंड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसको कट करके बैक कर देना होगा। तो अगर बैक करने के बाद आप लोग इसको फुल स्क्रीन करने के लिए इधर जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीच में, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसके साइड में जो बॉक्स है इसको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन हो चुका है। तो ये फुल स्क्रीन हो जाने के बाद आप लोग इधर से बैक करना होगा और नीचे चले जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। तो गाइस इधर ब्लेंडिंग ऑप्शन पर एक ऊपर क्लिक करना होगा और नीचे जो स्क्रीन का ऑप्शन है इसके ऊपर सिलेक्ट करके डन कर देना होगा। सो गाइस इतना दूर हो जाने के बाद आप लोग को सभी फोटो में अलग अलग एक इफेक्ट ऐड करना होगा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस इतना दूर कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को एक एक इफेक्ट ऐड करना होगा सभी फोटो पर। सो ऐड करने के बाद आप लोगों को इस फोटो का जो आउटपुट है वो बहुत ही शानदार लगेगा। सो इसको ऊपर इफेक्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को पहली वाली जो फोटो है उसके ऊपर क्लिक करना होगा और इधर दिख रहा होगा एक क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा और इधर आप लोगों को नहीं मिलेगा मैं जो एक दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर है केम मोशन, तो इसको आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। इधर जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर
तो इसके ऊपर क्लिक करके इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके इसको डाउनलोड कर देना होगा। मैं इसको आप लोगों को दिखा देता पर मैं जिस जगह पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इधर मेरा नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। सो गाइस इसके ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेना होगा और उधर से आप लोगों को मिल जाएगा एक केम मोशन का एक इफेक्ट, तो उसको आप लोगों को उधर से डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा और इधर जो सेकेंड वाली ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके इधर डन कर देना होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सेकेंड वाले फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिप कप्स पे जाना होगा और जो डाउनलोड किया है केम मोशन उसके ऊपर क्लिक करके सेकेंड वाली जो इफेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करके डन कर देना होगा। इतना दूर होने के बाद आप लोगों का जो थर्ड फोटो है इस फोटो में हम अलग सा एक इफेक्ट ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए क्लिप ग्राफिक्स पर जाएंगे और इधर से आप लोगों को एक इफेक्ट दिख रहा होगा कॉल मी डीजे नेम का, तो ये इफेक्ट आप लोग काइन मास्टर पे नहीं मिलेगा और इधर से भी आप लोगों को नहीं मिलेगा इधर से आप लोग केम मोशन को डाउनलोड किया है। तो इसको इधर लाने के लिए एक अलग सा प्रोसेस है, तो जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। मैं उधर दे दिया हूँ कि कैसे आप लोग क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो काइन मास्टर पे, तो उसको देखने के बाद आप लोग इसको ऐड कर सकते हो इधर से। उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए इधर। इधर ऐड करने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इधर जो सेकेंड वाली सॉरी गाइस जो थर्ड वाली जो इफेक्ट है तो इसको इधर ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद डन कर लेना होगा। सो गाइस डन करने के बाद इसके बाद में जो फोटो है उसके ऊपर क्लिक करना होगा और इधर क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना होगा और इधर आप लोगों को जाना होगा कॉल मी डीजे इफेक्ट के ऊपर और इधर 2.0 जो है सॉरी गाइस 0.2 जो है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इधर से डन करना होगा। सो गाइस इस तरह से आप लोगों को कर देना होगा और कुछ फोटो पे, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो फोटो है क्लिप ग्राफिक्स पे जाना होगा और कॉल मी डीजे जाके 0.2 कर देना होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को जाना होगा, जितना दूर आप लोग बड़ा इमेज है तो उतना दूर आप लोगों को इसे कर लेना होगा। सो गाइस ये लास्ट बड़ा इमेज है उसको मैं कर लेता हूँ 0.2। तो इसके बाद आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना होगा क्योंकि देखने में आसानी होगी और टच करने में। सो गाइस इधर जो छोटा छोटा फोटो है उसको पहले जो छोटा फोटो है उसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसको भी आप लोग कॉल मी डीजे इफेक्ट को ऐड कर दो 0.2 को। तो इसके बाद आप लोग को 3 फोटोज़ को इधर से छोड़ देना होगा, ठीक है। इधर 1, 2, 3 को मैं छोड़ देता हूँ और चौथे नंबर पे जो फोटो है उसके ऊपर हम लोग क्लिप ग्राफिक्स ऐड करेंगे कॉल मी डीजे वाला 0.2। सो आप लोग समझ सकते हो हम लोग पहले जो छोटा फोटो था छोटा फोटो तो उसके ऊपर हम लोगों ने कॉल मी डीजे इफेक्ट जो 0.2 है उसको हम लोग उधर से ऐड किया और फिर जो उसके बाद में जो थर्ड 3 फोटो है उसको हमने छोड़ दिया और चौथी जो फोटो है तो उसको हम लोग ऐड किया, ठीक है। इसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग ऐड किया है। तो ऐसे ही आप लोगों को 3 फोटो छोड़ देना होगा इसके बाद भी 1, 2 और 3। 3 को छोड़कर जो चौथी वाली जो फोटो है उसके ऊपर भी हम लोग कॉल मी डीजे इफेक्ट को ऐड करेंगे ऐसे। तो ऐसे करने के बाद आप लोगों को 2 फोटो इसके बाद छोड़ना होगा, इसके बाद 3 नहीं 2 को छोड़ना होगा। 2 को छोड़ने के बाद आप लोगों को इस फोटो के ऊपर आप लोगों को कॉल मी डीजे इफेक्ट ऐड कर देना होगा और उसके बाद में जो फोटो है उसको भी कॉल मी डीजे इफेक्ट को ऐड कर देना होगा। तो ऐड करने के बाद जो लास्ट में फोटो है उसको छोड़ देना होगा। सो गाइस देख सकते हैं हमने पूरा वीडियो पर इफेक्ट ऐड कर दिया है। तो आप इस फोटो को अब इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और फास्ट वाली पोजिशन पर आ जाइए। सो गाइस इतना दूर होने के बाद आप लोगों को एक बॉर्डर पीएनजी इफेक्ट को ऐड करना होगा जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उसको इधर ऐड करने के लिए आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको इधर ऐड कर देना होगा। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इसको इधर ऐड करने के बाद आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन करना होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और बॉक्स के ऊपर क्लिक करके ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब इधर से बैक करना होगा, थोड़ा सा जूम करना होगा इसको और इसको खींच के पूरा वीडियो तक कर लेना होगा ऐसे। तो पूरा वीडियो तक हो जाने के बाद आप लोगों को इधर से डाउन कर लेना होगा, फास्ट वाले पोजीशन पर आ जाना होगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को मैं अब अगर दिखा देता हूँ ये स्टेटस कैसा बना है, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो प्रीव्यू का जैसा ही हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर में जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसको फुल HD पर सिलेक्ट करके इसको फ्रेम रेट 60 कर देना होगा और इधर से इसको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर देना होगा। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो बुरा लगा तो कमेंट पे बता दीजिए कि किस लिए बुरा लगा इस वीडियो को।
ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।